क्वेश्चन नंबर 18 है, एग्जाम्पल 18। कहा है इसने कि इफ यदि इन एएसएचएम एक सरल आवर्तगति में यूवीडब्ल्यू वेलोसिटीज हैं एट डिस्टेंस, दूरी दी रखी है आपको ए बी सी फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से गिवन है ऑन द स्ट्रेट लाइन सरल रेखा पर, विच इज नॉट द सेंटर ऑफ फोर्स, जो सेंटर ऑफ फोर्स नहीं है, अर्थात फिक्स्ड पॉइंट से है सरल रेखा पर, और इसने कहा है कि फिक्स्ड पॉइंट नॉट द सेंटर ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ फोर्स नहीं है, सो दैट सिद्ध कीजिए, अर्थात सेंटर ऑफ फोर्स ओरिजिन ही है लेकिन ये डिस्टेंस जो दे रखी है सेंटर फोर्स से नहीं है बल्कि कोई और फिक्स्ड पॉइंट है उससे दे रखी है, जैसा अभी ये चित्र समझाएंगे आपको। सो दैट सिद्ध कीजिए द पीरियड, पीरियड टी इज गिवन बाई इक्वेशन, इस इक्वेशन से आपका पीरियड दिया जाता है। तो जरा आप सबसे पहले चित्र बनाएं, देखिए सवाल भी आपको दिखता रहेगा, ऐसा ही सोच रहे हैं हम। नहीं भाई, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, इसी में से दिखा दिया करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 18 है आपका, अभी लिखते हैं। डेट है आज आपकी 1 फरवरी, 1 फरवरी 2021। और बच्चों एग्जाम्पल है आपका 18। देखिए दो पार्टों में इस पेज को हम डिवाइड कर रहे हैं, कोशिश करेंगे इसी पेज पर आपका सवाल हो जाए। तो सवाल जैसा कि आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, बुक खोल कर बैठे, क्योंकि मेरे पास या तो ये पेज दिखा पाऊंगा या बुक दिखा पाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी जब ज़रूरत होगी तो बुक दिखाऊंगा आपको। तो जैसा कि उसने कहा कि एक सरल आवर्त गति में, तो हमने एक यहाँ डायग्राम बना रहे हैं। इफ इन एएसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में यू वी डब्ल्यू वी द वेलोसिटीज एट डिस्टेंस ए बी सी फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से ऑन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर, विच इज नॉट सेंटर ऑफ फोर्स, इसका मतलब जो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस आपको ए बी सी दी गई है ये फिक्स्ड पॉइंट आपका सेंटर ऑफ फोर्स नहीं, तो चलिए मानते हैं यहाँ सेंटर ऑफ फोर्स आपका ओरिजिन ओ है, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है इसमें जो जिससे आपको इन तीन पॉइंटों की डिस्टेंस आपको दे रखी है ए बी सी। तो हम मान रहे हैं एक पॉइंट आपका पी है, एक पॉइंट आपका क्यू है और एक पॉइंट आपका आर है, हम ये तीन पॉइंटों को ले रहे हैं। इसकी डिस्टेंस हमें कुछ दी नहीं है, ओ सेंटर से फिक्स पॉइंट दी, हम इसकी डिस्टेंस को एल ले रहे हैं और बच्चों हमें ओ डैश से पी की डिस्टेंस, उसने कहा ए बी सी, ए बी सी तीन दूरी पर, तो हमने यहाँ ए दूरी ले ली ओ डैश से पी तक की, और हमें फिर दिया गया बी, और देखिए ये सब डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से हैं जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, फिक्स्ड पॉइंट से हैं जो स्ट्रेट लाइन्स पर तो है लेकिन सेंटर नहीं है, इज नॉट सेंटर ऑफ फोर्स, ये उसने कहा है। तो अब ये ओ डैश से क्यू की दूरी बच्चों बी है, ओ डैश से इस क्यू की दूरी बी है, और बच्चों तीसरा पॉइंट भी दिया है जिसकी डिस्टेंस आर है, तो हमने तीसरा पॉइंट आर लिया है, तो ये डिस्टेंस मेरे डियर स्टूडेंट्स आपकी आर ली गई, सी ली गई है आर से, आर तक की डिस्टेंस कहाँ से, ओ डैश से। अब हमें एक चीज और दी गई है यहाँ पर कि वेलोसिटी जो है यू वी डब्ल्यू है एट द डिस्टेंस, वहां जहां डिस्टेंस ए है वहां यू, जहां डिस्टेंस आपकी बी है वहां वेलोसिटी वी, और जहां डिस्टेंस सी है वहां वेलोसिटी आपको डब्ल्यू, ये दिखाई दे रही होगी। तो हम यहाँ वेलोसिटी ओ डैश इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर डैब वेलोसिटी ले रहे हैं आपकी यू, और क्यू पॉइंट पर वेलोसिटी ले रहे हैं वी, और आर पॉइंट पर वेलोसिटी ले रहे हैं हम डब्लू। ये बच्चों
आपका चित्र बनाया गया है और इस चित्र में आपको अब सब कुछ समझना है क्या नहीं है। देखिए एक सरल आवर्त गति है, सरल आवर्त गति में उसने एक फिक्स्ड पॉइंट लिया है ओडेस, ओडेस से तीन बिंदु है जिनमें एक बिंदु की डिस्टेंस ए है तो वहाँ वेलोसिटी यू बताई है, दूसरा बिंदु क्यू, क्यू से वेलोसिटी ओडेस की वी है और डिस्टेंस बी ली गई है, और एक तीसरा पॉइंट है आर, आर से ओडेस तक की डिस्टेंस सी और वेलोसिटी डब्ल्यू बताइए। हमें ओ से ओडेस अर्थात फिक्स पॉइंट और सेंटर ऑफ फोर्स के बीच डिस्टेंस नहीं गिवन है, हमने ये एल अपनी तरफ से कंसिडर कर ली है। तो हमें क्या करना है, जो एस एच एम हो रही है जिसका सेंटर ओ है, इस एस एच एम में इस कंडीशंस में जो आपको कंडीशंस गिवन हैं आपको क्या फाइंड करना है, पीरियोडिक टाइम जो है वो इस इक्वेशंस के द्वारा गिवन है, ये आपको बताना है। तो हमने चित्र आपको बना दिया है, अब इस चित्र बनाने के बाद आपको थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिखनी है। जैसा कि आप जानते हैं लेट ओ इज द सेंटर ऑफ फोर्स, ओ इज द सेंटर ऑफ फोर्स, ओ आपका सेंटर ऑफ फोर्स है एंड ओ डैश इज फिक्स्ड पॉइंट। ओ डैश आपका, देखिए ये बोर्ड पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आज इसलिए लिखना पड़ेगा सब कुछ, ओ इज द सेंटर ऑफ फोर्स एंड ओ डैश इज फिक्स्ड पॉइंट। लेट ओ ओ डैश इज इक्वल टू एल बट किंतु बी हैव, हम रख रहे हैं अकॉर्डिंग, अपनी तरफ से नहीं बच्चों, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या रख रहे हैं कि ओ डैश पी इज इक्वल टू ए है, ओ डैश क्यू इज इक्वल टू बी है और ओ डैश आर इज इक्वल टू सी है एंड वेलोसिटीज, ये सब कुछ वो यहाँ चित्र में लिख दिया है, आपको यहाँ आवश्यकता भी नहीं है अगर चाहें तो। वेलोसिटीज एट पी क्यू एंड आर आर रेस्पेक्टिवली क्रमशः है कितनी है, यू वी एंड डब्ल्यू, यू वी और डब्ल्यू है। तो इन एस एच एम सरल आवर्त गति में, इन एस एच एम सरल आवर्त गति करते समय एट एनी पॉइंट किसी बिंदु पर भेयर जहां डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन अर्थात सेंटर ऑफ फोर्स। देखिए सरल आवर्त गति में किसी बिंदु पर जहां डिस्टेंस ओरिजिन से अर्थात सेंटर ऑफ फोर्स से इज एक्स है एंड लेट वेलोसिटी इज कैपिटल वी एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज कैपिटल ए है, देन तब। अब बच्चों आप देखेंगे कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक का वो कहाँ है पॉइंट, हमारे पास इधर हमने थोड़ी जगह कम है, मान ले रहे हैं कि हमारा कोई पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है और इस पॉइंट को हम मान रहे हैं एल से डिनोट कर दिया है, चलिए एल से। तो हमारी ये जो डिस्टेंस है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम इसको कैपिटल ए मान रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या मान रहे हैं बच्चों, कैपिटल ए मान रहे हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए मान रहे हैं। देन तब बी है, हम रखते हैं क्या रखते हैं बच्चों, डी एक्स अपॉन डी टी की होल घात दो या कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू
इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर एक मानना है। अब बच्चों दो चीजें हैं, हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी पीछे सवालों में और यहाँ इस इक्वेशन का डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी पहले से ही बड़ा है। हाँ अगर पांच नंबर में ये सवाल आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और दस नंबर में आता है तो आप चाहें तो इस इक्वेशन को भी ड्राइव करके लिख सकते हैं, लेकिन पांच में आता है तो इस इक्वेशन को ड्राइव ना करें, डायरेक्ट यहीं से यूज करें, और दस में आता है तो आप चांस ले सकते हैं इसको पहले ड्राइव करें, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लगभग इतने में ड्राइव हो जाएगा, थोड़ा सा और इतना यहाँ तक लिखा है, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे ड्राइव हो जाएगा हम आपका, और ड्राइव करना आप पर आता है क्योंकि एसएसएम से पहले अब तक आपने सारे डेरिवेशंस पढ़े हैं, इसलिए हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारी ये जनरल इक्वेशन है, और ये मान के चलिए ये क्या लिखा था हमने, यहाँ लिखा था इन एस एच एम एट एनी पॉइंट किसी बिंदु पर भेयर जहाँ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ जो चित्र है आपका इसमें बहुत सारे पॉइंट बने इसलिए मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, चलिए देख लें। ये मान के चलिए कि कोई बिंदु यहाँ है आपका एट एनी पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं एम से डॉट कर रहा हूँ बच्चों, क्या कर रहा हूँ एम से, और कोई भी पॉइंट जनरली मैंने कहाँ ले लिया है, देखिए जगह ही नहीं बची बच्चों, कहीं भी ले सकते हैं जनरल पॉइंट को, हम यहाँ ले तो यहाँ ले लूँ यहाँ ले लूँ, ये तो जनरल पॉइंट है। चलिए मैंने यहाँ आपका एक पॉइंट एम ले लिया है, और यहाँ तक की जो जनरल डिस्टेंस है उसे वो डियर स्टूडेंट्स क्या है वो एक्स है, और यहीं पर आपकी ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स ली गई है, हमने क्या ली गई है ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स ली गई है, और यहीं वेलोसिटी कैपिटल वी ली गई है, तो हमने ड्राइव किया है और ये इक्वेशन हमने प्राप्त की है। अब हमें जनरल पॉइंट ऊपर करना है क्योंकि हमें तीन पॉइंट दिए गए हैं, एक बिंदु पी का यूज करना है, क्यू का यूज करना है, आर का यूज करना है, तो यहां लिखेंगे देखिए व्हाट किंतु एट, जब हम पी की बात करते हैं पी की, देन तब हमारा जो ये एक्स है ये एक्स क्या हो जाएगा, पहले एक्स यहाँ और ये एक्स वेरीज कर रहा है, तो पहले हम P पर देखेंगे फिर Q पर फिर R पर, ये सब कुछ आपको पता है, हमारा ये M हमने यहाँ माना है और इसकी डिस्टेंस देखिए X है, ये जो बैरीज कर रहा है, तो हम जो पहले कर रहे हैं बिंदु P Q R के बारे में हमें दिया है, तो बिंदु P की डिस्टेंस O से क्या हो जाएगी बच्चों, O O डैश आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, O O डैश प्लस ओ डैश पी, तो ये हो जाएगी एल प्लस कितना ए, एंड वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी कैपिटल वी इज इक्वल टू, यहां हमें क्या दे रखी है बच्चों इस पी पर हमें दे रखी है यू, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, एंड एट क्यू पे एक्स इज इक्वल टू, ऐसे ही देखो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट ओ ओ डैश प्लस ए ओ डैश क्यू, ओ डैश क्यू बी ये एल है, तो लिख दोगे आप एल प्लस बी, और वेलोसिटी वी हो जाएगी स्मॉल वी, और बच्चों आर पर ये एक्स हो जाएगी एल प्लस, देखिए यहां से यहां तक फिर यहां से यहां तक ये दूरी एस सी है, तो हो जाएगी एल प्लस सी, और वी हो जाएगी आपको डब्लू, ये आपका हो जाएगा। अब इन चीजों का यूज आप इस इक्वेशन में करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी बात P की, तो P पर हमारा V क्या है U है, तो हम लिख रहे हैं U स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस X की वैल्यू क्या है L प्लस A, तो ये हो जाएगी L प्लस A की घात दो, और अब ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, और सॉल्व करेंगे इस इक्वेशंस को हम, फिर इसी तरीके से बाकी कंडीशंस का यूज करेंगे। कहां क्या किया हमने बच्चों, इस इक्वेशंस में एक्स की वैल्यू और वी की वैल्यू रख दी है, लिख देता हूं पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वैल्यू ऑफ वी एंड एक्स, तो बच्चों इसको खोलते हैं जरा,
ये यू स्क्वायर हो जाएगा, और म्यू इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस, देखो आप जानते हैं एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एल ए माइनस से मल्टीप्लाई करके इतना हो जाएगा माइनस टू एल ए, ये हो जाएगा म्यू की इधर हम डिवाइड कर दे रहे हैं म्यू से, जब इधर म्यू से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये यू स्क्वायर बटे म्यू हो जाएगा, और आप इधर प्लस ए स्क्वायर इसमें से निकाल सकते हैं, और आप इधर टू एल इंटू ए इधर लिख सकते हैं, और इधर जब एल स्क्वायर आएगा तो ये प्लस में आएगा, और ये ए स्क्वायर आएगा तो ये माइनस में आएगा, तो ये इक्वेशन इतनी प्राप्त हो जाएगी बच्चों। देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करने में आपके में ए बी है, देखिए ए भी है बी भी है सी भी है यू भी है बी भी है डब्लू भी है, तो आपको एलिमिनेट जो करना है इसमें से जो दिखाई दे रहा है एल एलिमिनेट करना और कैपिटल ए एलिमिनेट करना है, तो ये एलिमिनेट आपको करने हैं, म्यू भी करना है, तो आप इक्वेशंस बनाएं इस तरीके से, और इक्वेशंस बनाएंगे जैसे ये एक इक्वेशन बनी है ऐसी ही एक और इक्वेशन प्राप्त आपको हो जाएगी। देखिए ध्यान से इस इक्वेशंस को हम ऐसा लिख सकते हैं यू स्क्वायर बटे म्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एल इंटू ए प्लस ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशंस को हम मानते हैं दो। अब डियर स्टूडेंट्स जैसे हमने ये इक्वेशन बनाई है, ये इक्वेशन बनाई है बिंदु पी पर और इस इक्वेशन का यूज करके, ऐसे ही हम दो इक्वेशन बनाएंगे क्यू पर और आर पर इस इक्वेशंस का यूज करके। देखिए डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, जब हम क्यू पर निकालेंगे तो हमें क्या रखना पड़ेगा एक्स इजिकल टू एल प्लस वी रखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है जहां जहां इस इक्वेशन में ए है वहां वहां बी लिख देंगे। दूसरा चीज हमें वेलोसिटी स्मॉल यू के स्थान पर वी करनी पड़ेगी, तो जहां जहां इस इक्वेशन में स्मॉल वी स्मॉल यू है वहां वहां हम क्या कर देंगे स्मॉल यू है वहां वहां हम स्मॉल वी कर देंगे। तो क्या लिखोगे बच्चों सिमिलरली यूजिंग पॉइंट क्यू का एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, जैसे हमने इसमें यूज की इसमें ये कंडीशन यूज की, ऐसे ही बिंदु क्यू की कंडीशन यूज कर रहे हैं इस इक्वेशन में, सिमिलरली यूजिंग पॉइंट क्यू एंड इक्वेशन फर्स्ट बी गेट हम प्राप्त करेंगे बच्चों। देखिए यू के स्थान पर वी वी स्क्वायर बटे म्यू प्लस, और ए के स्थान पर क्या बताया मैंने बी बी स्क्वायर, और बच्चों टू एल जो की तो है अपने ए के स्थान पर आपको बताया मैंने बी प्लस ये एल जो की तो है और ये ए आपका जो की तो है इक्वेशन नंबर थ्री। एंड फिर से सिमिलरली वर्ड का यूज करें, सिमिलरली यूजिंग पॉइंट, अब पॉइंट क्यू का नहीं आर का, यूजिंग पॉइंट आर आर का प्रयोग करें एंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करें और इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करें, तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा वी गेट हम प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे बच्चों यू के स्थान पर आपके पास हो जाएगा ए बी सी, सी हो जाएगा आपका ए बी सी नहीं यू वी डब्लू, डब्लू हो जाएगा क्योंकि इसमें देखिए आर पॉइंट पर वी डब्लू है, तो डब्लू स्क्वायर बटे म्यू, और ए के स्थान पर हो जाएगा सी क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ क्या है सी ये डिस्टेंस सी, तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू एल जो कि तो बी के स्थान पर सी हो जाएगा, और ये एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर फोर। अब बच्चों आप एक चीज देख रहे हैं ये बदला हुआ है, ये वाला टर्म पहला तीनों इक्वेशन में, ये इक्वेशन टू एल इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, और इस इक्वेशन में ये एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको इक्वेशंस की तुलना कर देनी है, क्या कर देनी है इक्वेशंस की तुलना कर देनी है, और सिंपल हो जाएगा डिटरमिनेंट मेथड से क्या हो जाएगा एलिमिनेटिंग जो जो गायब करना है उसे लिखें, टू एल एलिमिनेट करना है एंड एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एलिमिनेट करना है फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 से, इन तीनों इक्वेशन से एलिमिनेट करने हैं। तो बी है, हम क्या लिखेंगे बच्चों डिटरमिनेंट मेथड में? आप जानते हैं जो मैट्रिक्स होती है आपकी, तीन इक्वेशंस होती हैं, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं तो उसमें हम जो बैरविल होते हैं उनके कोफिशेंटों से डिटरमिनेंट बना देते हैं और जीरो के बराबर रख देते हैं। तो यही हमें यहाँ करना है। तो देखिए इसमें तो कांस्टेंट टर्म है आपका, जो सबसे पहला टर्म है ये वाला कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्योंकि इस टर्म में हमें कुछ भी एलिमिनेट नहीं करना है, तो यहाँ आपका आ जाएगा पहले यू स्क्वायर बटे म्यू प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। और बच्चों दूसरी इक्वेशन से आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस बी स्क्वायर, बच्चों थोड़ा छोटा बन गया ये यू स्क्वायर है। और तीसरे से हो जाएगा डब्लू स्क्वायर बटे म्यू प्लस सी स्क्वायर। और इधर देखिए सेकंड टर्म में 2l आपको एलिमिनेट करना है, तो इसका कोफिशेंट a b c। और बच्चों इधर आप देख रहे हैं ये एलिमिनेट करना है 1 1 1, और ये डिटरमिनेंट हो जाएगी 0 के बराबर। अब आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने पढ़ा है इंटर में कि जब किसी भी डिटरमिनेंट की किसी रो में या कॉलम में दो दो अवयव का सम होता है, दो दो एलिमेंट का सम होता है, तो हम उसको तोड़ देते हैं। सेकंड और थर्ड कॉलम या रो जो भी है वो सेम रहेगी दोनों मैट्रिक्स में, और एक में इसकी पहली कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में इसका जो दूसरा पार्ट है वो पहला कॉलम बन जाता है। जैसे ये लिखें u स्क्वायर बटे म्यू p स्क्वायर बटे म्यू और w स्क्वायर बटे म्यू a b c 1 1 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी 1 1 1 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं इसमें से म्यू कॉमन है, 1 बटे म्यू कॉमन है। ध्यान से देखना, पेज पलटना है बच्चों, पेज पलटना है, आप भी देख सकते हैं 1 बटे म्यू इसमें से कॉमन है। तो मैं ऐसे आपको दिखा दूंगा पेज पलट पलट का, 1 बटे म्यू कॉमन लिख रहा हूं मैं इसमें, इम्प्लाइज करेगा 1 बटे म्यू कॉमन। अब आपका यहाँ बचेगा यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, यू स्क्वायर वी स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी, ए बी सी और ये 1 1 1 1 1 1 और बच्चों प्लस जो भी तो लिखेंगे इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी सी, ए बी सी और 1 1 1 इक्वल टू 0। अब आप ये देखें आपको करना क्या है, आपको निकालना है, यहाँ जब सवाल आपको बताया गया था जरा देखिए, यहाँ कहा पीरियड टी इज गिवन बाय द इक्वेशन, पीरियड टी इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है इसके द्वारा, तो आपको पीरियड टी फाइंड करना है। पीरियड टी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 2π√μ, तो जो आपको म्यू फाइंड करना है यहाँ से म्यू फाइंड करना है आपके लिए। तो जब आपको म्यू फाइंड करना है तो आप इसको इधर भेजेंगे यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1 प्लस म्यू, मतलब म्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी 1 1 1 और इधर करेंगे तो ये 0। अब देखिए जरा बच्चों, अब हमारा काम या तो इसको इधर भेजना या फिर इसको इधर भेजना, हमें म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों जरा देखिए म्यू की तरफ के लिए हम जब सॉल्व करेंगे और हमें किस रूप में सॉल्व करना है उसी को सॉल्व करेंगे, जरा ये भी देख लो। तो जब इसमें करेंगे तो यू स्क्वायर और आपका ये वी स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर, कहने का मतलब ये है कि इसको चेंज करके कर रखा है, क्या करके कर रखा है,
चेंज कर रखा है इसको। देखिए आपको देख दिखाई दे रहा है कॉलम में है, इन्हें आपस में चेंज कर रखा है। तो सॉल्व बस हमें इसको करना है और इसको सॉल्व करके हमें म्यू का मान रखना है और इस साइड को दूसरी तरफ भेजना है, इस साइड को दूसरी तरफ भेजना है। इसे यहीं रहने दीजिए, बस इसका सॉल्व कर देंगे हम। तो देखिए ये हो जाएगा आपका म्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी पन वन पन, और ये बच्चों हो जाएगा आपका इधर भेजेंगे तो माइनस का यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी वन वन वन। ये इस तरीके से आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पर आकर। जब इसको हम चेंज करेंगे इधर लाकर, तो आप जानते हैं किस किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है चेंज करना आपका इसको। इस माइनस को खत्म करना है बच्चों, इस माइनस को, या इस माइनस को इधर रहने दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस माइनस को जब हम चेंज करेंगे तो हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा कॉलम को रो में, रो को कॉलम में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको तो चेंज करने के लिए इस यू को इधर भेज सकते हैं हम, भेज दिया है हमने। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक कर लिया आपने। यहाँ तक करने के बाद आप इसे देखें, क्योंकि जिसके अनुसार हमें सिद्ध करना है उसी को करना होता है। ये यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में है, हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम में है, इसमें माइनस नहीं है, हमारे पास माइनस है। तो ये वाली चीज जो आपको दिखाई दे रही है, ये तो इसका ट्रांसफॉर्म करके आ जाएगा। मतलब कहने का ये है बच्चों कि जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट में कॉलमों को रो में, रो को कॉलमों में चेंज करते हैं, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो बन जाएगा, ये सेकंड कॉलम है, सेकंड रो बन जाएगा, ये थर्ड कॉलम है, थर्ड रो बन जाएगा। तो हम किसी भी डिटरमिनेंट के कॉलम और रो का आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आता है। तो और इधर ये माइनस खत्म करना है, इसको माइनस को यहाँ पे ले जाएंगे अगर हम, तो माइनस कैसे खत्म होगा बच्चों? माइनस खत्म होगा कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो आपस में हम इंटरचेंज कर देते हैं, माइनस खत्म हो जाता है। तो या फिर डायरेक्ट पहले इसका सॉल्व कर लो, उसके बाद माइनस खत्म कर देना, जैसे भी है ये काम आपको करना है। तो अब क्या कर रहे हैं बच्चों हम, देखिए माइनस इधर लेकर आ रहे हैं, माइनस इधर लाने के साथ साथ अब इसको हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करना आपने खूब अच्छे तरीके से, और इधर इंटरचेंज कर दिया हमने, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया देखिए सर इंटरचेंज कर दिया। मैं बता रहा हूं कि किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी कॉलम को रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, या सभी रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सभी रो और सभी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो माइनस यहां से उठाकर मैंने इधर भेज दिया है आपका, और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना आप बहुत इजी जानते हैं बच्चों, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट कर रहा हूं। ट्वेल्थ क्लास में आपने खूब पढ़ा है, अब मैं यहां इसको सॉल्व करूं तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो आपके लिए छोड़ना पड़ेगा। किसी भी जब किसी कॉलम में एक सभी अवयव एक से होते हैं, तो किन्हीं भी दो को हम बहुत इजीली जीरो बना लेते हैं। इन दो को जीरो बनाकर इंटर के प्रोसीजर से आप इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख देंगे। यदि किसी पर नहीं आता हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस माइनस को भी खत्म करते हुए बच्चों, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा म्यू इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों ये। और ये यू स्क्वायर ए वन बी स्क्वायर वी वन डब्ल्यू स्क्वायर सी वन, ये आपका आ जाएगा। अब हमें देखना है कि
यू ये टी के रूप में लाना है क्योंकि हमसे कहा पीरियोडिक टाइम टी इस इक्वेशन से दिया जाता है, तो यू और एलिमिनेट करना है अभी हमको। तो देखिए क्या लिखोगे इसको, इक्वेशन नंबर मान लीजिए क्या इक्वेशन हो गई 4, इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देंगे। अब क्या लिखेंगे, बट किंतु बी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि टी इज इक्वल टू 2π/√μ। तो यहां से म्यू की वैल्यू निकालनी है और इसमें रखनी है, तो इम्प्लाइज करेगा √μ इज इक्वल टू 2π/T। स्क्वायर करेंगे हम बच्चों तो म्यू इज इक्वल टू 4π² / कितना टी स्क्वायर हो जाएगा। म्यू की वैल्यू इसमें रख देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू रखने पर, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ टी, टी की वैल्यू रखने पर इन इक्वेशन नंबर 5th में, इक्वेशन नंबर 5 में टी की वैल्यू रखने पर, तो जरा बच्चों देखिए रखते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ टी नहीं म्यू, सॉरी बच्चों म्यू की वैल्यू रखनी है हमें। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ म्यू इन इक्वेशन नंबर 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4π² / T² a-b, b-c और c- का a और इज इक्वल टू u² v² w² a b c 1 1 1। तो ये हो गया बच्चों हैंस प्रूफ्ड, हमें इतना ही प्रूफ करना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये, एग्जाम्पल नंबर जरूर करेंगे आप सभी विद्यार्थी। और बच्चों एग्जाम्पल नंबर 17 और 16 जो करना चाहे कर सकते हैं, मेरी तरफ से छूट है, मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब स्टार्ट होती है आपकी एक्सरसाइज 4। अब स्टार्ट होती है बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4 आपकी। एक्सरसाइज 4 में हम कुछ सवाल आपको करा चुके हैं, देखिए इनके नोट्स जो मैं बन रहे हैं साफ साफ लिख रहा हूँ खूब, इनको आपके ग्रुप में डाल दूंगा। एक्सरसाइज 4 में भी बच्चों हम कुछ सवाल आपको कल समझा चुके थे, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। एक्सरसाइज नंबर स्टार्ट होती है आपकी और 4, भगवान जी का नाम पहले, जय श्री राम, और जरा हमने आपको जैसा कि हमें ध्यान है, पहला क्वेश्चन डेफिनेशन है स्वयं याद करने के लिए कहा था, दूसरे डायरेक्ट फॉर्मूला में है ये वैल्यू रखनी है, तीसरा शायद हम आपको करवा चुके थे एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वेलोसिटी इन SHM विल बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम, शायद ये हम आपको करवा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 में क्या है, एक पार्टिकल मूव्स गति करता है इन ए स्ट्रेट लाइन एक सरल रेखा में, एंड और इट्स वेलोसिटी और इसका जो वेग है एट ए डिस्टेंस x, x दूरी पर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इज इतना है, मतलब वेलोसिटी हमें दे रखी इतनी, वेयर जहां a एंड k आर कॉन्स्टेंट, जहां a और k हमें कॉन्स्टेंट दिए गए हैं। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए द मोशन, गति का समीकरण इज सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एंड और फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड द पीरियड टाइम ऑफ द मोशन। तो बच्चों जरा दोनों सवालों को देखते हैं, अगर एक से हुए तो एक करवाएंगे। अगला पढ़ते हैं, सोदर से दीजिए इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन, बच्चों इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया है इसमें वेलोसिटी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए पहले, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड आपको कल बता चुके थे बच्चों, 4 ध्यान से देखिए एक बार फिर से, क्या कहा, पार्टिकल गति करता है स्ट्रेट लाइन में सरल रेखा में, एंड और इट्स वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस एक्स, डिस्टेंस और फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से एज इतनी है। तो बच्चों क्या लिखेंगे, इन स्ट्रेट लाइन, बच्चों अगर सवाल 5 नंबर में आता है 3 नंबर में आता है तब तो सवाल डायरेक्ट करें, और अगर यही सवाल बड़े में आ जाता है तब पहले डेरिवेशन करें, इक्वेशन डेरिवेशन से निकालें उसके बाद करें, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे इन SHM सरल आवर्त गति में, क्या कहा है,
वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस एक्स, वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस एक्स। बच्चों दो पार्टों में बांटते हैं इसको, इन ए सिस्टम वेलोसिटी एट डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या दी गई हमें बच्चों, एक्स दी गई है। एक्स डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कितनी है, इज के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अर्थात बी है, हम इसको क्या रखेंगे बच्चों, हम रखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी की होल घात दो इज इक्वल टू के। अच्छा बच्चों वेलोसिटी दी गई है इसलिए होल घात नहीं, के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम वी मान लेते हैं, के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर एक। अब देखिए हमसे क्या कह रहा, हमसे कह रहा प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए मोशन सिंपल हार्मोनिक है, तो उसके लिए इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसको लिखा जाएगा टू वी डी वी ओवर डी एक्स, ये के स्क्वायर, ये जीरो और माइनस टू एक्स। बच्चों टू से टू डिवाइड हो जाएगा, वी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर एक्स। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस की स्क्वायर एक्स के स्क्वायर एक्स, इक्वेशन नंबर टू। बच्चों इक्वेशन नंबर टू आपको दिखाई दे गई होगी, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एसएचएम को, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एसएचएम को। तो इक्वेशन नंबर टू सोज दैट दिखाती है कि जो इसने कहा है प्रूव दैट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिखाती है कि मोशन जो है इज एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसने कहा इन फाइंड द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ज्ञात कीजिए एंड पीरियडिक टाइम ज्ञात कीजिए मोशन का। तो पहले हम पीरियडिक टाइम ज्ञात करते हैं, पीरियडिक टाइम ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू टू पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। क्या होता है बच्चों, टी इज इक्वल टू टू पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। तो उसके लिए हमें म्यू निकालना है, और म्यू निकालने के लिए हम जनरल इक्वेशन की तुलना इससे करते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इक्वेटिंग इक्वेशन सेकंड विद द जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एसएचएम की जो जनरल इक्वेशन होती है जनरल, उससे तुलना कर रहे हैं। और जनरल इक्वेशन होती है डी आर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। तो देखिए म्यू क्या हो गया आपका, के स्क्वायर हो गया म्यू आपका। तो आप क्या लिखेंगे, तो इम्प्लाइज करेगा पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम टी इज इक्वल टू टू पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, और टू पाई अपॉन बच्चों म्यू की वैल्यू के स्क्वायर जब मैं यहाँ रखूंगा तो के स्क्वायर हो जाएगा म्यू की वैल्यू। तो टी हो गया इतना, आप जरा आंसर देख सकते हैं एक इसका, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का टी क्या है। बच्चों टू पाई अपॉन के है। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और ज्ञात करना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए बच्चों आपको बताया हमने क्या बताया था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वहां होता है जहां वेलोसिटी आपकी जीरो होती है। तो क्या रखेंगे, देखिए टू फाइंड, टू फाइंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कहा है, या फिर इसने केवल एम्पलीट्यूड शब्द अर्थात मैक्सिमम डिस्टेंस, तो एम्पलीट्यूड के साथ मैक्सिमम वर्ड का यूज नहीं करते, टू फाइंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड टू फाइंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए बी पुट, हम पुट करते हैं डी एक्स और टी डी टी इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि जब हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जहां आपका वेलोसिटी जीरो हो जाए वहीं मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, और उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं।
तो पहले सीधे जीरो रख रहे हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। देन तब बच्चों तब हम वी अर्थात वी इक्वल टू जीरो किसमें, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो वी गेट हम प्राप्त करते हैं बच्चों, क्या प्राप्त करते हैं देखिए, जीरो इज इक्वल टू के स्क्वेयर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। के स्क्वायर जीरो में पहुंचा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स वैल्यू हो गई प्लस माइनस ए। अब बच्चों माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन को दिखाती है, इसलिए एम्पलीट्यूड जो हो गया बच्चों, एम्पलीट्यूड जो हो गया इज एक्स इक्वल टू ए। यहाँ आंसर एक, यहाँ आंसर आपका, और ये वाले पार्ट में जो लिखा है ये भी आंसर का ही पार्ट है। और आपका एक काम होता है कि जब सवाल खत्म हो जाता है तो सभी आंसर को आप हैंस करके लिख देते हैं, हैंस। अतः जो तीनों बातें थी उन्हें एक साथ यहाँ आप लिख देंगे कि जो मोशन है वो SHM है, पीरियड इतना है और एम्पलीट्यूड इतना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है बच्चों, अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए मैंने 11th की बुक है आपकी ये रख रखी है, इसके नीचे बहुत जुगाड़ करना पड़ा है इस तरीके से पढ़ाने के लिए आपको, दिखा दूंगा किस तरीके से जुगाड़ करना पड़ा है बाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब आपका देखते हैं हम 5th क्वेश्चन नंबर, 5th क्वेश्चन नंबर, 5th बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, प्रश्न ये है, प्रश्न ये है क्वेश्चन नंबर 5th में, सो दैट सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, क्या इफ यदि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में इज एक्सप्रेस्ड, सिद्ध कीजिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन में इज एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड किया जाता है बाय द इक्वेशन, इस इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट व्यक्त किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब बच्चों विस्थापन किसी पार्टिकल का, सरल रेखा में एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त किया जाता है इस इक्वेशन के द्वारा। तो इट डिस्क्राइब्स, यह व्यक्त करती है, हमें दिखाना है क्या कि यह डिस्क्राइब करती है क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन को, हुज हुज एम्पलीट्यूड और जिसका एम्पलीट्यूड इतना है एंड पीरियड इतना है। तो बच्चों हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमें जो दिया है एक्स इजिकल टू ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी, हमें ये दिया गया इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी। अब बच्चों देखिए जरा हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि ये इक्वेशन SHM को रिप्रेजेंट करेगी, डिस्प्लेसमेंट जो है ये जो दिया गया है SHM को रिप्रेजेंट करेगी, और उसमें हमें एम्पलीट्यूड ज्ञात करना है और टी पीरियड टाइम ज्ञात करना है। बच्चों SHM की जो इक्वेशन होती है उसमें डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है, अर्थात इस एक्स का सेकेंड टाइम मतलब टू टाइम डिफ्रेंशिएट हमें करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने और लिखें डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स नहीं बच्चों टी, तो डी एक्स और ए डी टी माइनस ए साइन एन टी, और एन टी का द्वारा करेंगे तो बच्चों एन हो जाएगा, एन ये लिख दिया प्लस बी कॉस एन टी, एन टी का द्वारा करेंगे तो एन आ जाएगा, ये लिख दिया बच्चों, दिखाई तो दे रहा है, थोड़ा जूम कर लिया करना, ये हो गया आपका। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट करिए तो माइनस का ए एन स्क्वेयर कॉस एन टी, ये कॉस का माइनस में होता है डिफरेंशिएट, एन आ जाएगा तो माइनस बी एन स्क्वेयर साइन एन टी। इसमें कुछ कॉमन है बच्चों, और कॉमन है माइनस का एन स्क्वेयर, ए कॉस एन टी बी साइन एन टी
माइनस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू है एक्स, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, और आपको दिखाई दे गई होगी ये SHM की इक्वेशन होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। तो आप क्या लिखोगे, तो इम्प्लाइज कर रही है इक्वेशन नंबर थर्ड डिस्क्राइब्स SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब करती है बच्चों। अब इक्वेशन नंबर थर्ड SHM को डिस्क्राइब करती है, तो हमें यही सिद्ध करना था कि ये डिस्क्राइब करती है ए सिंपल हार्मोनिक मोशन को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो बच्चों एक पार्ट प्रूफ हो गया, अब दूसरा पार्ट हमें इसमें पीरियोडिक टाइम भी ज्ञात करना है, तो पहले पीरियोडिक टाइम ही निकालेंगे। तो बच्चों अब इक्वेशन नंबर थर्ड की तुलना करें इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर थर्ड टू द इक्वेशन, इस इक्वेशन से, किस इक्वेशन से, देखिए बच्चों इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर थर्ड टू द इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स। तो देखिए म्यू की वैल्यू क्या है, आपको एन स्क्वायर दिखाई दे रही है। तो पीरियोडिक टाइम क्या है आपका, पीरियोडिक टाइम आप जानते हैं टी इज इक्वल टू टू पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू के स्थान पर एन स्क्वायर रखेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो एन हो जाएगा। तो बच्चों दूसरा पार्ट ये हुआ। तीसरा, अब हमें एम्पलीट्यूड ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको डेरिवेशन में हमने पढ़ाया था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, कहाँ होता है, तो जहां पर आपकी वेलोसिटी जीरो होती है वहां एम्पलीट्यूड होता है आपका, वहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो आप क्या रखेंगे, टू फाइंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ज्ञात करने के लिए बी पुट हम प्राप्त करते हैं, हम रखते हैं dx/dt = 0 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो रखिए dx/dt = 0 इस इक्वेशन में, तो बच्चों dx/dt की वैल्यू इस इक्वेशन रखेंगे 0, तो ये 0 रख दिया, हमारे पास प्राप्त हुआ माइनस का n a साइन n t b n cos n t। अब देखिए n 0 में पहुंच गई कॉमन लेकर, एन आपका 0 पहुंच गया, तो ट्रांसफर कर देते हैं हम, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये ए साइन एन टी इज इक्वल टू बी कॉस एन टी। इधर भेज देते हैं बच्चों इसको, साइन एन टी बटे कॉस एन टी इज इक्वल टू बी बटे ए, तो ये हो जाएगा टेन एन टी इज इक्वल टू बी अपॉन ए। बच्चों ये वैल्यू हमने निकाल ली, हमें करना क्या है, हमें ज्ञात करना है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारा ये एक्स का मान है, लेकिन इस एक्स के मान में हमें ये कॉस एन टी और साइन एन टी की वैल्यू पुट करनी है। अब बच्चों ये वैल्यू हम कहां से पुट करेंगे, हमने टेन एन टी निकाल लिया, इस टेन एन टी से हमें कॉस एन टी और साइन एन टी निकालनी है, तो सबसे पहले हम सेक एन टी निकालेंगे, क्योंकि बच्चों सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 + tan² θ होता है, तो सेक एन टी अंडर रूट 1 + tan² θ हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है बी अपॉन ए स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में और बटे ए स्क्वायर बटून ए, सेक एन टी हो गया ये आपका। इससे हम कॉस एन टी निकाल लेंगे, कॉस एन टी उल्टा हो जाता है सेक एन टी का, तो ए बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब साइन एन टी भी हमें निकालना है,
साइन एन टी जो होता है अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर एन टी होता है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, उसका वर्गमूल करेंगे बी और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एन टी। साइन एन टी बच्चों तो क्या लिखोगे, इम्प्लाइज करेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इम्प्लाइज करेगा एम्पलीट्यूड एक्स इजिकल टू एम्पलीट्यूड एक्स इजिकल टू, ये साइन एन टी और ये कॉस एन टी की वैल्यू यहां रखनी है आपको, डायरेक्ट लिख रहा हूं बिना लिखे, बोले दे समझाए दे रहा हूं बस, ए कॉस एन टी की वैल्यू ए अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी साइन एन टी की वैल्यू बी बटे अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या देख रहे हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स इजिकल टू इससे ये कट जाएगा अंडरवुड टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही बच्चों एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये क्या है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसे एक्स को कैपिटल ए से डोट करें या आप किसी और से डोट करें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, एक बार फिर से इसका रिवाइज कर देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 5 का देखिए क्या रिवाइज है इसका, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्स इजिकल टू, हमें ये दी गई है, हमें दिखानी है कि ये इक्वेशन उसको एस एस एम ग्रुप प्रेजेंट करती है, तो हमने इसका डिफरेंशिएट किया डी एक्स टू डी टी, डिफरेंशिएट आप जानते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट किया माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये जो वैल्यू है ये इस एक्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है इस एक्स की, तो ये एक्स रख दिया। अब आप सब जानते हैं ये एस एच एम की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, पहली चीज प्रूफ हो गई। अब इस इक्वेशन टू की कंपेयर हमने जो जनरल इक्वेशन होती है एस एच एम की इससे की, तो म्यू का मान एन स्क्वायर निकाल दिया, पीरियोडिक टाइम टी होता है इतना, म्यू का मान यहाँ रख दिया, इतना हो गया। अब दूसरा हमें निकालना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अर्थात एम्पलीट्यूड, तो ये एक्स का मान है, तो कॉस एन टी साइन एन टी का मान रखना है, क्यों, क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड देखिए किस रूप में सिद्ध करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी के रूप में, केवल टी गायब करना है इसलिए, और ये जनरल इक्वेशन है जनरल एम्पलीट्यूड है, ये तो घट बढ़ सकता है, तो हमें करना है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड होता है जहां वेलोसिटी जीरो होती है, इसलिए हमने इस वेलोसिटी को जीरो रख दिया डी एक्स अपॉन डी टी को, और जीरो रखने के बाद इसको सॉल्व करके टेन एन टी निकाल लिया, और जब हमने टेन एन टी निकाला तो उससे सेकेंड टी निकाला, सेकेंड टी ये आप जानते हैं, फिर कॉस एन टी चाहिए, कॉस एन टी होता है वन बटे सेकेंड टी, तो इसका उल्टा कर दिया, फिर साइन एन टी या फॉर्मूला अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर एन टी जानते हैं हम, तो कॉस एन टी की ये वैल्यू रख दी हमने, तो साइन एन टी की वैल्यू निकल आई, कॉस एन टी की ये वैल्यू इसमें हमने रख दी, और सॉल्व करके हमने एक्स इतना प्राप्त कर लिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में द स्पीड v, हमें स्पीड दे रखी है, v दे रखी है पार्टिकल की मूविंग गति करते हुए along the axis of x, x axis के along is given y, और किसके द्वारा, by the relation इसके द्वारा, मतलब हमें वेलोसिटी भी इस रिलेशन के द्वारा दे रखी है, सो दैट सिद्ध कीजिए द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन है विद इट्स सेंटर, इसका सेंटर x इक्वल टू 4v एंड एम्पलीट्यूड 2v, तो जब इसका सेंटर x इक्वल टू 4v है तो एम्पलीट्यूड कितनी है 2v है। तो बच्चों अगर केवल यहां तक कहता सिंपल हार्मोनिक मोशन तो मैं छोड़ सकता था, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा आगे भी दे दिया है इसने, तो हो सकता है आपके आगे का पार्ट समझ में नहीं आए, इसलिए इसको आप समझ लें। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 में आपको समझा दिया मैंने, डायरेक्ट लिखता हूं तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी इज गिवन वाई, वेलोसिटी वी इज गिवन बाई द रिलेशन, रिलेशन किसमें, इन एस एच एम,
सरल आवर्त गति में क्या दिया है, v स्क्वायर इजिकल टू एन स्क्वायर एट बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व बी स्क्वायर। देखिए बच्चों, ये हमें दिया गया है, तो सबसे पहले तो हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो है SHM है। तो बच्चों उसके लिए हमें डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू 2x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये 2b और db ओवर dx n स्क्वायर 8b माइनस 2x, और बच्चों इसका हो जाएगा जीरो, दो डिवाइड हो जाएगा b db ओवर dx। देखो डिवाइड होने के बाद n स्क्वायर बचाइए, यहाँ यहाँ 4b और यहाँ माइनस x। हमने आपको बताया था कि x का टर्म प्लस में चाहिए, माइनस कॉमन ले लिया जाएगा, इतना हो गया x माइनस 4b हो गया। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि x का कोएफिशिएंट प्लस एक है, यहाँ माइनस में टर्म है, ये म्यू में आ जाएगा, तो ये SHM को तो रिप्रेजेंट कर रही है, बट ये जीरो नहीं है, ये केवल x नहीं है, सॉरी ये केवल x नहीं है, इसलिए सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा, सेंटर ऑफ फोर्स ओरिजिन पर नहीं होगा, आपकी SHM तो होगी। तो लिखते हैं इक्वेशन नंबर टू, तो इम्प्लाइज कर रहा है इक्वेशन नंबर सेकंड रिप्रेजेंट SHM, सरल आवर्त गति को रिप्रेजेंट करती है, बट सेंटर ऑफ फोर्स इज नॉट ओरिजिन, ओरिजिन पर नहीं है। तो क्या लिखोगे, पुट x माइनस 4b इज इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज करेगा x इक्वल टू 4b, तो x इक्वल टू 4b जो है आपका सेंटर ऑफ फोर्स है। क्या है, x इक्वल टू 4b सेंटर ऑफ फोर्स है, तो यहां आपका x इक्वल टू 4b पर सेंटर काम करेगा। अब देखिए इसने पूछा क्या है, यही पूछा है विद इट्स सेंटर एट x इक्वल टू 4b, इसका मतलब इसका सेंटर x इक्वल टू 4b होगा। अभी हमें एम्पलीट्यूड ज्ञात करना है 2b। बच्चों एम्पलीट्यूड के लिए एम्पलीट्यूड कहा, जहां v जीरो होता है, तो आपको यहां लिखोगे अर्थात सेंटर जो है इज x इक्वल टू 4b है। तो एम्पलीट्यूड ज्ञात करने के लिए वेलोसिटी को आपको जीरो रखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, टू फाइंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ज्ञात करने के लिए टू फाइंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ज्ञात करने के लिए पुट या पुटिंग v इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में v इक्वल टू जीरो रखिए, रखा एन स्क्वायर एट बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व बी स्क्वायर। बच्चों एन जीरो में पहुंच गया और माइनस चिन्ह कॉमन लेकर जीरो में भेज दिया मैंने, तो एक्स स्क्वायर माइनस एट बी एक्स प्लस ट्वेल्व वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मैंने क्या किया सुन लीजिए, एन स्क्वायर जीरो में भेजा और माइनस से डिवाइड कर दिया। फिर अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो बच्चों इसका जो फैक्टर आएगा, कितना आएगा फैक्टर, छ और दो, सिक्स बी और टू बी हो जाएगा, एक्स माइनस टू बी और एक्स माइनस का सिक्स बी इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू टू बी और x इक्वल टू सिक्स बी, तो जरा चित्र बनाना, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, तो एक तो x इक्वल टू सिक्स बी यहां पर ओरिजिन है, लेकिन सेंटर यहां है नहीं बच्चों, सेंटर यहां है नहीं, सेंटर कहां है, फोर बी पर है, ये ओरिजिन पॉइंट है, सेंटर हम मान लेते हैं यहां 4b, x इक्वल टू 4b, सेंटर ये मान लिया। तो बच्चों हमारी जो x आई है, एक आई है 2b, तो ये 2b तो इधर हो जाएगा, ये तो होगा नहीं आपका, क्योंकि आउट हो जाएगा,
तो आपका ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू ये वाला वैलिड हो जाएगा। तो यहां हम 6 भी लिख देंगे यहां से यहां तक। और एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों? एम्पलीट्यूड हमने सेंटर यहां है और मैक्सिमम डिस्टेंस यहां है ए, यहां भी वेलोसिटी जीरो है, यहां भी वेलोसिटी जीरो है। और बच्चों वेलोसिटी देखो जीरो यहां भी है एक्स इक्वल टू टू बी पे, यहां भी जीरो है वेलोसिटी। यहां इसको मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया यहां पॉइंट, इसको मैंने सी मान लिया। तो वेलोसिटी यहां जीरो और यहां जीरो। तो अब आपको देखना है क्या कि आपका एम्पलीट्यूड क्या है, ये वैलिड है 2b या ये 6b वैलिड है? आपका ये वैलिड है 6b, क्यों? क्योंकि बच्चों मैक्सिमम डिस्टेंस से सेंटर ऑफ फोर्स के जो बीच की दूरी होती है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर सेंटर ऑफ फोर्स ओरिजिन पर होता तो टोटल 6b आपकी एम्पलीट्यूड होता, तो ये सेंटर फोर्स कहाँ है, 4b पर है, तो आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 6b माइनस 4b, 4b यहां से यहां तक की दूरी है। अब बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ फोर्स तो इससे बाहर ही चला गया आपका। फिर अगर हम यहां तक ले मैक्सिमम डिस्टेंस, यहां तक कितनी 2b, इस वाली को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लें, तो बच्चों फिर रिजल्ट आप अपने आप समझ रहे हैं, सेंटर ऑफ फोर्स तो यहां से बाहर हो जाएगा, जबकि सेंटर ऑफ फोर्स स्टार्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां है, तो यहां से गति करनी इधर होगी और ये गति स्टार्ट करनी यहां से होगी बच्चों, और ये सेंटर हो जाएगा। तो SHM जो हो जाएगा ये इस तरीके से हो जाएगा, यहां से यहां के बीच में, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, इधर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए बच्चों ये नॉट वैलिड 2b, ये 6b वैलिड है। तो आप क्या लिख देंगे, एक्स इक्वल टू 6b ये लिखकर, वैलिड लिखकर, तो क्या लिख दोगे, इम्प्लाइज करेगा एम्पलीट्यूड इज, एम्पलीट्यूड इज 6b माइनस सेंटर ऑफ फोर्स 4b इज इक्वल टू 2b। तो एम्पलीट्यूड है 2b इसका और सेंटर है बच्चों कौन सा, 4b। ये टोटल डिस्टेंस में से सेंटर ऑफ फोर्स की डिस्टेंस हमने घटा दी, तो आपका ये निकल आएगा, एम्पलीट्यूड निकल आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 7। अब क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट सिद्ध कीजिए, देखिए सो दैट सिद्ध कीजिए इन ASHM एक सरल आवर्त गति में, दिखाई दे रहा है बच्चों, नहीं दिखाई दे तो अपनी बुक उठा लेना, जूम कर लेना थोड़ा सा, सिद्ध कीजिए इन ASHM एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑफ एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ए एंड पीरियड टी द वेलोसिटी वी एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर से एज गिवन बाई द रिलेशन, इतने मतलब इस रिलेशन के द्वारा दिया जाता है हमें वेलोसिटी। तो फाइंड हमें क्या प्राप्त करना है, न्यू एम्पलीट्यूड, नया एम्पलीट्यूड ज्ञात करना है, इफ यदि वेलोसिटी वर डबल्ड, वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, और कब, जब पार्टिकल एज एट ए डिस्टेंस हाफ हाफ डिस्टेंस पर है, ए बटे टू हाफ डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, पीरियड, पीरियड चेंज नहीं होता है, पीरियड रिमेनिंग अनऑल्टर्ड मतलब अनचेंज। चित्र बनाते हैं बच्चों इसके लिए, देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये ए है, ये ओ है आपका, और हमें बच्चों क्या दिया है, ए से ओ, ओ सेंटर दिया है इसमें सवाल में, देखो सेंटर इज गिवन बाई इतने। तो किसी समय मैंने मान लिया डिस्टेंस सेंटर से एक्स है, शो दैट इन SHM, और एम्पलीट्यूड ए, बच्चों एम्पलीट्यूड मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है हमारी, इसको पी मान ले रहा हूं मैं, और पीरियोडिक टाइम टी है, और हमें वेलोसिटी दी गई है इससे, क्या लिखोगी, इन SHM, SHM में वेलोसिटी एट पी, पी पर इज गिवन वाई, इससे दी गई है, बी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² अच्छा ये बच्चों हमें प्रूफ करना है, हाँ इन SHM वेलोसिटी एट पी इज गिवन वाई,
सो दैट सिद्ध कीजिए इन एस एच एम में एम्पलीट्यूड ए है, एम्पलीट्यूड टी है, द वेलोसिटी वी एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर इज गिवन बाई बच्चों एक मिनट फिर से पढ़ते हैं लैंग्वेज को, सिद्ध कीजिए सरल आवर्त गति में जिसका एम्पलीट्यूड ए है और पीरियड टी है, वेलोसिटी वी, हाँ बच्चों हमें ये इतना सिद्ध करना है कि वेलोसिटी वी एट डिस्टेंस एक्स पर सेंटर से इससे दी जाती है इन एस एच एम वेलोसिटी एट पी। बी हैव टू प्रूव, यहाँ लिखना है बी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है सरल आवृत्ति में वेलोसिटी एट पी इज गिवन बाई इतने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, भेयर जहां टी इज पीरियोडिक टाइम। बच्चों कितना आसान है, सिंपल है, जरा देखोगे लिखोगे इन एस एच एम, इन एस एच एम सरल आवृत्ति में इफ एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए और बच्चों वेलोसिटी एट पी इज वी है आपका बी है, देन तब बी है हम रखते हैं, क्या रखते हैं बच्चों म्यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समीकरण नंबर एक। बट किंतु टी इज इक्वल टू टू पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, तो यहां से बच्चों हम अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू टू पाई अपॉन टी और स्क्वायर करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो जाता है। म्यू की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, नाउ पुटिंग, अब पुट करने पर द वैल्यू ऑफ म्यू, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू की वैल्यू पुट करने पर किसमें, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों हमने यहां उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है यहां फॉर्मूले में, हम उल्टा लिख गए बच्चों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है यहां, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है यहाँ, फोर पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा, टी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक पार्ट आपको बच्चों प्रूफ हो चुका है, ये बारा देख लीजिए, तो प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया है। अब अगले पार्ट को देखिए बच्चों, क्या कहा इसने, अगले पार्ट में कहा है फाइंड द न्यू एम्पलीट्यूड, आपको नया एम्पलीट्यूड ज्ञात करना है, फाइंड द न्यू एम्पलीट्यूड, नया एम्पलीट्यूड ज्ञात कीजिए इफ यदि द वेलोसिटी वर डबल्ड, यदि वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जाए व्हेन द पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस, इतने जब पार्टिकल इस दूरी पर है फ्रॉम द सेंटर सेंटर से और द पीरियड रिमेन अनऑल्टर्ड और पीरियड टी जो है वो चेंज नहीं है, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। इक्वेशन नंबर टू मान लीजिए इसको, अब क्या लिखोगे, अब लिखो आपका लेट वेलोसिटी बी इक्वल टू वी वन एट एक्स इक्वल टू ए बटे टू, जब डिस्टेंस आपकी आधी कर दें तो हमारा वेलोसिटी कितनी है ए बटे टू, नहीं वेलोसिटी वी वन मान ली जब एक्स इक्वल टू ए बटे टू है, देन तब फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से, इस इक्वेशन नंबर सेकंड से इससे रखिए टी इज इक्वल टू क्या रखना है यहां टी जी बी और टी अनऑल्टर्ड है, टी चेंज नहीं होता है, तो वी बराबर वी वन एंड टी इज नॉट चेंज, देखिए एंड टी
इज अनचेंज, टी अनचेंज है, टी बदलता नहीं है। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से v के स्थान देखिए, इस इक्वेशन में v के स्थान v1 रखिए, t चेंज मत कीजिए, और x के स्थान पर a बटे 2 रखिए, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x के स्थान में a बटे 2 वर्क करोगे तो a स्क्वायर बटे 4। तो सॉल्व करिए, t स्क्वायर v1 स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर 3, इसमें सॉल्व करके 3 ए स्क्वायर बटे 4, 4 से 4 कैंसिल, टी स्क्वायर बी वन स्क्वायर 3 ए स्क्वायर पाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर मान लीजिए 3। लेकिन इसने क्या कहा था, जरा सवाल को देखिए ध्यान से बच्चों, इसने कहा था फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड नया ज्ञात कीजिए, वेलोसिटी पर डबल दे, यदि वेलोसिटी डबल कर दें, वहन कहाँ, पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस, पार्टिकल इज दूरी पर हो, ए बटे टू की दूरी पर हो, तो लिखेंगे अब नाउ यदि वेलोसिटी इज डबल्ड डबल कर दी जाए एट डिस्टेंस एक्स इक्वल टू ए बटे टू, देन न्यू एम्पलीट्यूड इज एम्पलीट्यूड इज कितना बच्चों, म्यू इज इक्वल न्यू एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू ए वन, देन तब पुटिंग द एवर वैल्यू, तब ऊपर की वैल्यू रखने पर इन इक्वेशन नंबर टू में रख दो बच्चों। तो देखिए वी गेट हम क्या प्राप्त करेंगे, हम प्राप्त करेंगे यहाँ रखिए टी स्क्वायर वी वन स्क्वायर टी स्क्वायर, और वी के स्थान पर बच्चों मैंने क्या बताया, वेलोसिटी इज डबल्ड, अर्थात बी इक्वल टू टू बी वन, ये लिखो वेलोसिटी डबल्ड वी इक्वल टू टू बी वन, ये हो जाएगा 4 बी वन स्क्वायर यहाँ बच्चों, तो टी स्क्वायर इंटू 4 बी वन स्क्वायर, 4 बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पर बच्चों क्या ए बटे टू आधा, तो ए स्क्वायर बटे कितना 4, तो ये देखिए जरा 4 पाई स्क्वायर 3 ए स्क्वायर बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, 4 बी वन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये बच्चों ए के स्थान पर ए वन, सॉरी ये गलती कर दी हमने, यहाँ हमें इसमें ए के स्थान पर ए वन रखना था, और जब ए वन रखना था तो ये सॉल्व नहीं होगा बच्चों, तो फिर ये आपको लाइन कट करनी पड़ेगी हल्के से, तो यहाँ लिखा जाएगा टी स्क्वायर गुणा 4 बी वन स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ए वन स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे 4, इम्प्लाइज करेगा टी स्क्वायर इंटू बी वन स्क्वायर यहाँ से रख दिया जाएगा, टी स्क्वायर इंटू बी वन स्क्वायर तो ये 4, टी स्क्वायर इंटू बी वन स्क्वायर बोलू 3 ए स्क्वायर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से। तो बच्चों आप देख रहे हैं कुछ कट रहा है इसमें, ये 4 गुणा हो गया है बच्चों, तो 4 पाई स्क्वायर कट गया है, 3 ए स्क्वायर बचा यहाँ से, इससे इधर बुला लिया ए स्क्वायर बटे 4, ये ए वन स्क्वायर हो गया, तो 4 दिया 12 और एक 13 ए स्क्वायर बटे 4, 13 ए स्क्वायर बटे 4, बच्चों जरा देखना आंसर में, देखते हैं 7 के में, हाँ बच्चों सही है, तो ये हो जाएगा आपका ए वन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ती 12 13 ए स्क्वायर बटे 4, इसका स्क्वायर करेंगे ए वन, तो ये हो जाएगा ए बटे 2 अंडर रूट 13 प्लस माइनस, लेकिन एम्पलीट्यूड में बच्चों माइनस का कोई काम नहीं, माइनस को हम इग्नोर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा गया है, सो दैट सिद्ध कीजिए इन ए एस एच एम एक सरल आवर्त गति में
ऑफ एम्पलीट्यूड ए, जिसका एम्पलीट्यूड ए है, एंड पीरियड टी, पीरियड आपका टी है, द वेलोसिटी वी एट ए डिस्टेंस एक्स, एक्स दूरी पर वेलोसिटी वी है फ्रॉम द सेंटर इज गिवन बाई, और ये जो डिस्टेंस एक्स है ये सेंटर से है और इस रिलेशन के द्वारा वी सिद्ध होता है, करना है हमें, दिखाना है टी का यूज करते हुए। और बच्चों नया एम्पलीट्यूड ज्ञात करना है, कब, जब वेलोसिटी डबल दोगुनी कर दी जाए, कब, जब पार्टिकल एक्स इजिकल टू ए बटे दो दूरी पे है सेंटर से, द पीरियड रिमेनिंग, लेकिन पीरियड आपका अनचेंज रहता है तब। तो जरा देखना ध्यान से भाई, हमने उस कंडीशन के हिसाब से चित्र बनाया है, ए से ओ की दूरी ए हमने मानी है, ओ सेंटर है, ए फिक्स्ड पॉइंट है, किसी समय जब ए से गति स्टार्ट की, पार्टिकल पी पर आया, पी की ओ से दूरी एक्स है, तो बच्चों हमने ये लिख दिया कि हमें सिद्ध करना है। तो अब सरल आवर्त गति में एम्पलीट्यूड ए जो हमने लिया है, वेलोसिटी पी पर हमने वी मानी है, तो हम इक्वेशन इससे देते हैं, वेलोसिटी वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से वेलोसिटी दी जाती है, आपको पता है। और बच्चों टी जो होता है एस एच एम में 2π√μ होता है, और इसको सरल किया, म्यू की वैल्यू निकाल ली, म्यू यहाँ रख दिया, सिंपल करके ये चीज हमारी आ गई, यही हमें सिद्ध करना है। दूसरी चीज कि अगर ये जो x है a, उस पॉइंट पर जहां x a बटे 2 है, यहां से यहां तक a, a बटे 2 इसके मध्य बिंदु पे होगी, यहां कहीं होगा, ये p कोई मध्य बिंदु नहीं है बच्चों, तो वैसे ही जनरल में ले रखा है, कोई मध्य बिंदु होगा। तो जब x इक्वल टू a बटे 2 है, तो नया एम्पलीट्यूड हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों और वेलोसिटी वहां 2v1 हो रही है, डबल वेलोसिटी हो रही है, डबल वेलोसिटी हो रही है, और x a बटे 2 हो रहा है, तो वहां नया एम्पलीट्यूड ज्ञात करना है। तो बच्चों हमने क्या लिखा यहां पर, वेलोसिटी v इक्वल टू v1 एट x इक्वल टू a बटे 2 पे, और t अनचेंज है ऐसा उसने कहा है, तब इक्वेशन नंबर सेकंड से, इस इक्वेशन नंबर सेकंड में v1 रख रहे हैं हम, और आपका x जो है a बटे 2 रख रहे हैं, देखिए इधर रखा और सॉल्व किया इतना आया। अब v उसने डबल बता दिया है 2v1, तो v इक्वल टू 2v1 एक्स ए बटे 2, और नया एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू a1 हमने इक्वेशन नंबर इसमें रखा है 2 में, रखने के बाद ये प्राप्त हुआ, और यहां से टी स्क्वायर b1 स्क्वायर का मान इतना रख दिया 3a² π² ये रहा, और सरल किया तो a1 इतना आ गया, यही हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है भाई, अब कुछ मैं आपको हिंट देता जाऊंगा कुछ सवालों की, क्योंकि नहीं वीडियो बहुत लंबी बैठेगी। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको हम हिंट से ही काम चलाएंगे, अगर नहीं होगा तो आपका लॉफ लाइन में आकर पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है आपका बच्चों, पढ़िए ध्यान से। सो दैट सिद्ध कीजिए पार्टिकल एक्सक्यूटिंग एसएचएम सरल आवर्तति को रिप्रेजेंट करते हुए आवश्यकता है 1/6 एक बटे छठवें हिस्से की ऑफ इट्स पीरियड इसके पीरियड की टू मूव गति करने में फ्रॉम पोजिशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजिशन से 2/1 इन विच द डिस्प्लेसमेंट इज जो हाफ द एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन से हाफ डिस्प्लेसमेंट हाफ एम्पलीट्यूड तक आने में जो टाइम है वो क्या है बच्चों, वो 1/6 एक बटे छठवां हिस्सा है ऑफ इट्स पीरियड, इट्स पीरियड मतलब जो एस एच एम का पीरियड होता है उसका एक बटे छठे हिस्से की आवश्यकता है, किस गति के दौरान, यहां से देख सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से आधी डिस्प्लेसमेंट तक के लिए। तो बच्चों चित्र में समझा देता हूं, आप समझेंगे और स्वयं करके लाएंगे। देखिए आपका ये चित्र है, ये आपका ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ फोर्स ओ है, और ये एम्पलीट्यूड आपका ए है, और आप जानते हैं एस एच एम तो इस प्रकार से आगे की तरफ चलेगी ये, और ये ए है तो ये ए डैश है, तो ए डैश के बीच आपकी एस एच एम हो रही है जिसका सेंटर ओ है आपका। बच्चों यहां से पार्टिकल किसी समय गया, किसी समय बिंदु पी पर पहुंच गया जिसकी दूरी एक्स इजिकल टू जनरल में ए है। अब हमसे क्या कहा बच्चों, हमसे ये कहा है
टोटल पीरियड इसका आप जानते हैं कितना होता है, देखो अभी लिखेंगे। और हमें जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, जरा इस पे चलते हैं, मैक्सिमम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की, मैक्सिमम पोजीशन से 2-1 इन विच द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ, डिस्प्लेसमेंट हाफ है, एम्पलीट्यूड हाफ है, तो उस दौरान जो लिया गया समय है वो टोटल पीरियड का 1/6 हिस्सा है, ये हमसे सवाल में कहा है। तो बच्चों देखिए, ये जनरल में पॉइंट पी यह मत मानिए, आप जो है यहां मान लीजिए, चलो पी, तो पी यहां मानोगे तो एक्स ये हो जाएगा आपका, यहां मान लीजिए इसका मिड पॉइंट बी मान लीजिए, यहां क्या मान लीजिए बी, और यहां से यहां तक अगर ए है तो ये हाफ है, तो हाफ कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा हाफ, यहां तक डिस्टेंस 1/2 है। तो हमें क्या करना है, यहां से यहां तक आने में जो लिया गया समय है, ए से बी तक आने में जो लिया गया समय है बच्चों, वो टोटल जो पीरियोडिक टाइम है यहां से यहां तक गति और फिर वापस यहां तक जो आए डिस्टेंस, मतलब एक ऑस्किलेशन, पूरे ऑस्किलेशन में जो टाइम है, पीरियोडिक टाइम, उसका 1/6 हिस्सा है, ये आपको प्रूफ करना है। तो जरा बच्चों इस सवाल को आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, तरीका क्या है, वही है, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं बच्चों, देखिए, पार्टिकल मूव्स, गति करता है इन SHM सरल आवर्त गति में अलोंग द सेंटर ओ, सेंटर ओ के साथ में, लेट OA इज इक्वल टू A जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसका, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट वर्ड लिखा हुआ शॉर्ट में डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और ड्यूरिंग SHM सरल आवर्तगति के दौरान, SHM सरल आवर्तगति के दौरान पार्टिकल इज एट पी, पार्टिकल पी पे है, ओपी इज इक्वल टू एक्स है, एंड लेट वेलोसिटी, और माना वेलोसिटी एट पी पे इज बी है, देन तब वी इज गिवन बाई बी इज गिवन बाई वी दिया जाता है किससे, वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे दिया जाता है इक्वेशन नंबर 1। अब जरा देखना, हमें यह टाइम के लिए काम करना है, किसके लिए काम करना है बच्चों, टाइम के लिए, टाइम के लिए काम करना है, तो इसका मतलब इसको हमें स्क्वायर रूट वगैरह करना पड़ेगा, तो वी जो होता है वो dx/dt होता है, क्या होता है वी dx/dt होता है, तो हम इसको इतना लिख रहे हैं म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे dx/dt। तो बच्चों जरा देखिए, पार्टिकल SHM में जब गति करता है तो ए से स्टार्ट करता है, ओ की तरफ पहले जाता है, ये ओ ए ओ हमने ए मान रखी है, तो डिस्टेंस हमारी घटेगी, और जब हमारी डिस्टेंस घटेगी तो इसका स्क्वायर रूट जब हम लेंगे बच्चों माइनस में लेंगे, माइनस √μ/√a² माइनस x², तो आप बैरवल सेपरेट करेंगे, हम बैरवल सेपरेट करेंगे तो ये चीज नीचे आ जाएगी, तो dt = -1/√μ और 1/√a² माइनस x² dx। अब बच्चों हमें कहाँ काम करना है, यहां से यहां तक ए से बी के लिए, तो क्या लिखोगे, फॉर मोशन, मोशन ए बी के लिए एक्स वेरीज a to a/2, एक्स ए से a/2 तक वेरीज कर रही है, एक्स वेरीज कर रही है ए से a/2 तक वेरीज कर रही है, एंड लेट टाइम टी जो वेरीज कर रहा है 0 to t1, 0 से t1 कर रहा है, देन तब इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए, इंटीग्रेटिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो ये खत्म हो चुका है पेज आपका,
भर चुका है, नया पेज लेते हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो बच्चों क्या लिख रहा हूं मैं, ना इंटीग्रेटिंग ऑफ इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन टू का इंटीग्रेट करने पर डी टी लिमिट कितनी, जीरो से टी वन, लिमिट जीरो से टी वन लेकर माइनस वन बटे अंडर रूट म्यू, और लिमिट कितनी ए से ए बटे टू, वन बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स। बच्चों माइनस में साथ रखते हुए इसका जो इंटीग्रेट होता है कॉस इनवर्स, अगर माइनस को ना देखूं तो साइन इनवर्स, माइनस को देखूं तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट ए से ए बटे टू। तो बच्चों और इसका इंटीग्रेट डायरेक्ट हो जाएगा टी वन, टी लिमिट रखेंगे टी वन माइनस जीरो टी वन। बच्चों यहाँ के बाद का जो पार्ट है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ लिमिट लगानी है, क्या करना है लिमिट लगानी है, और लिमिट लगाने के बाद फिर आपको कंपेयर करके देखना है। जरा देखिए तो T1 का जो मान आएगा वो बच्चों वन बटे सिक्स इंटू जो पीरियोडिक टाइम होता है T, इतना आएगा। T1 इज इक्वल टू वन बटे सिक्स इंटू टी आएगा, तो यहां देख लेना जो भी आ रहा होगा वो इसके बराबर है या नहीं है। अगर ना समझ में आए ये पार्ट, ये पॉइंट, तो आप कल हमसे पूछ सकते हैं। बच्चों देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका एट हो गया, क्वेश्चन नंबर आता है नौ। लेकिन बच्चों नौ जो सवाल है मेरिट में आया है दो बार, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत लेंथी है। अगर हम इस सवाल को अभी कराते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी लगभग। अब हम बस एक सवाल की हिंट देते हैं आपको 10 क्वेश्चन की, उसके बाद कल आपको ऑफलाइन में ही आपके साथ मिलते हैं। बस हिंट देख लीजिए 10 क्वेश्चन की, उसके बाद कल देखेंगे। 10 क्वेश्चन में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ हिंट देनी है। ए पॉइंट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट सरल रेखा में गति करते हुए, ए पॉइंट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट सरल रेखा में गति करते हुए विद एसएसएम एसएसएम के साथ हैज वेलोसिटी इज वेलोसिटी रखता है वी वन एंड वी टू, व्हेन जब इट्स डिस्टेंस इज, इसकी दूरी फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से आर एक्स वन एंड एक्स टू, सेंटर से इसकी दूरी कितनी है एक्स वन एंड एक्स टू है, सो दैट से दीजिए द पीरियड ऑफ मोशन, पीरियड मोशन का इज इतना है, तो पीरियड होता टू पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। इसका मतलब बच्चों इसमें म्यू का मान निकाला है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग और इसमें रख रखा है। तो जरा देखें क्वेश्चन नंबर 10, पहले जो सवाल में दिया वो बता चुका हूं मैं, एसएचएम के लिए चित्र बना देता हूं। सबसे पहले ये ए है, ये ओ है, और बच्चों एसएचएम तो इधर इस बीच में टोटल होती है, ओ सेंटर ऑफ फोर्स होता है, ये ए डैश हमने लिख दिया, यहां डिस्टेंस हम एम्पलीट्यूड ए मान रहे हैं, पार्टिकल किसी समय गति करते हुए मान चलिए इस बिंदु पी पे आ गया है जिसकी सेंटर से दूरी किसी समय एक्स है। अब हमसे इसने जो कहा है इस बात को सुनिए, इसने कहा है कि हैज वेलोसिटीज पॉइंट मूविंग स्ट्रेट लाइन विद एसएचएम वेलोसिटी रखता है v1 एंड v2, लेकिन कब रखता है व्हेन जब इट्स डिस्टेंस इज, इसकी दूरी फ्रॉम द सेंटर से आर एक्स वन एंड एक्स टू। तो मैं मान रहा हूं एक पॉइंट मेरा m है और एक पॉइंट मेरा n है, तो m तक की तो दूरी है एक्स वन और n तक की दूरी है x2, तो ये दूरी है। तो आपको इस कंडीशन में t जो दिखाना है वो इतना दिखाना है। तो देखिए कितना आसान है, कितना सिंपल है, t इतना दिखाना है, अपनी बुक में देख सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान है, बस म्यू निकालना है। और इसमें देखिए क्या लिखोगे यहां पे, इन SHM, SHM में बी नो दैट हम जानते हैं, सरल आवर्त गति में हम जानते हैं, टी जो होता है बच्चों टू पाई अपॉन अंडर रूट म्यू होता है। अब देखो ड्यूरिंग एसएचएम, एसएचएम के दौरान एट पी, पी पर भेयर जहां ओपी इज इक्वल टू एक्स आपको दिखाई दे रहा है,
एंड लेट माना वेलोसिटी सिटी एट पी इज वी, वी है देन तब। बच्चों ये जितने सवाल मैं करा रहा हूँ अगर 5 नंबर में आ रहे हैं तो आपको ये डायरेक्ट लिखने की ज़रूरत है, अगर 10 नंबर में आ रहे हैं तो ये जो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं वी स्क्वायर कल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट नहीं लिखनी, फिर ड्राइव करनी है पूरी। तो देन तब वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर एक। अब देखना, लेकिन बिंदु इस पर एम पर, बट एट एम, एम पर एक्स इजिकल टू ओ एम इजिकल टू एक्स वन एंड वी इजिकल टू, सवाल में देखिए क्या कहा है, सवाल में वी कहा है इसमें वी वन, तो वी इजिकल टू वी वन एंड एट दूसरा हमने एन माना है, एक्स इजिकल टू ओ एन है, दूरी हमने एक्स टू मानी है और वी इजिकल टू वी टू, देन तब एट एम एम पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से तो ये वी वन स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, समीकरण नंबर दो। तो ये है, ये तीन है और एट एन एन पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर, यहाँ फर्स्ट लिख दीजिए बच्चों गलती से, सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड बी टू स्क्वायर इजिकल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फोर। तो अब बच्चों आपको म्यू का मान निकालना है, इससे क्या निकालना है, म्यू का मान निकालना है और जरा किस रूप में निकालना है ये भी देख लीजिए, जो सिद्ध करना है आपको बच्चों ये सिद्ध करना है, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर बटे बी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, बी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, तो ये कब आएगी, जब इक्वेशन चार में से तीन घटा दिया जाएगा, तो आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर फोर माइनस इक्वेशन नंबर थर्ड। तो देखिए बी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर, इसमें से इसको घटाऊंगा तो म्यू आ जाएगा कॉमन हमारा, ए स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स वन स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर म्यू एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर। तो बच्चों म्यू इज इक्वल टू बी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर बटे एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर। अब बच्चों ये म्यू की जो वैल्यू है आप यहाँ रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सॉल्व, और सॉल्व कर देंगे बच्चों एक लाइन में ही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 भी आप यहीं तक करेंगे। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यदि हम और सवाल बताते हैं तो वीडियो लगभग 2 घंटे की पहुंच जाएगी नॉन स्टॉप, और सवाल क्योंकि ये नमा बड़ा है, 11वां ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि बस आज का काम यहीं समाप्त कर दिया जाए, और कल उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप पढ़कर आओगे, कल से आपको ये आगे का काम और जो पीछे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे पढ़ाएंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि जो आज आपके लिए हमने किया छुट्टी के दिन, सुबह तबीयत भी ढीली थी इसलिए हम आए नहीं थे, आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा, आप सबको आप संतुष्ट रहेंगे और वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक भी करेंगे और आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी वीडियो। चलिए बच्चों बस आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं अपने साथ के बच्चों पर, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों पर, और ये बच्चों आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके ग्रुप में भेज दिए जाएंगे क्रम वाइज। चलिए बच्चों जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।